बात महाराष्ट्र में अनशन पर बैठे मनोज जारंगी पाटिल की, जिनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई सरकारी प्रतिनिधि मंडल से। आश्वासन के बाद उन्होंने ये कह के अनशन खत्म किया कि अगर अब एक महीने के भीतर एक्शन नहीं लिया गया तो विधानसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट उतरेंगे। मराठा आरक्षण के लिए जालना के अंतरवली सराटी में अनशन पर बैठे मनोज जारंगे से मिलने महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। प्रतिनिधि मंडल में महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराजे देसाई, छत्रपति संभाजी महाराज नगर के सांसद संदीपन भुमरे, बीजेपी विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद मनोज जारंगे पाटिल ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल ने जारंगे को भरोसा दिलाया कि सरकार कुनबी प्रमाण पत्र पा चुके लोगों के सगे संबंधियों को भी कुनबी सूची में शामिल करने पर विचार करेगी। बाकी मराठा समुदाय के लोगों को भी कुनबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मनोज जारंगे की मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी का दर्जा, उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का कानून बनाया है, लेकिन मनोज जारंगे इससे संतुष्ट नहीं है। जारंगे का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो 4 महीने बाद होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 288 सीटों पर मराठा समाज के उम्मीदवार खड़े करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार किया है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमलों के बाद हालात पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दूसरे उच्च अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पीएम ने निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से निपटने के लिए पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के लिए चल रहे अभियान की जानकारी दी। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना ने ग्राउंड पर आतंकियों के सफाई के लिए अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों ने ग्राउंड पर आतंकियों की मदद करने वालों को चेतावनी दी है। पुश ये जो इनकी धक्का है, ये धरती के सामने हमारा रिस्पॉन्स जो है, हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेस को मैप कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।